जय श्री मधु तुलसी महाराज की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद शास्त्र जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री श्री गौरताय की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्रावण श्याम सुंदर दर्शन देवी की जय समवेत भक्त वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय वीर्यमोजो बलं पया
दूहनम् इन्द्रं सोमामदूहनम् देवताओं इंद्रम स्वर्ग के राजा इंद्र को सोमम अमृत अदुदुरम दुहलिया हिरण्मयेन सुनक पत्रेण पत्र से वीर्यम मानसिक शक्ति ओजः इंद्रियों की शक्ति बलम शारीरिक शक्ति पय दुख। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोमरस अर्थात अमृत दूह लिया। इस प्रकार वे मानसिक शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। तात्पर्य, इस श्लोक में सोम का अर्थ अमृत है। सोम एक प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में चंद्रमा से लेकर विभिन्न श्लोकों में देवलोकों तक बनाया जाता है। सोम नाम इस पेय को पीकर देवता मन से इंद्रिय से तथा शरीर से अधिक शक्तिशाली हो उठते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण से सूचित होता है कि यह सोमरस सामान्य मादक शराब नहीं है। देवता किसी प्रकार का मादक पेय नहीं छूते थे और न सोम कोई दवा है। यह एक भिन्न प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में उपलब्ध है। असुरों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब से सोम सर्वथा भिन्न है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। ॐ One child of the Lord.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Indram Swamam Adhudvam Hiranmayana Patrana Viryam Ochanam Chayana Shrimad Bhagavat ke shlok mein kis prakar devtagan Indra ko vatsa banakar prithvi se अपनी समृद्धि के साधन को प्राप्त हुए इसका वर्णन हो रहा है। जिस प्रकार ये कथा चल रही है कि महाराज पृथ्वी से खाद्य शस्य अधिग्रहण कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर इस संसार में जो प्राणियां हैं वे भी अपने समृद्धि के लिए अपने जीवन धारण के लिए पृथ्वी से ही साधन को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी देवी ये सप्त माताओं में एक है और माता शिशु का पालन पोषण करती है, तो उसी प्रकार ये पृथ्वी माता सारे संसार के जीवों का पालन पोषण करती है। यद्यपि आधुनिक काल के विज्ञानी और लोग जो एक तरह से नास्तिक हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, ये भी इस तत्व पर विश्वास नहीं करते हैं कि पृथ्वी माता सभी का पालन पोषण करती है। ये लोग सोचते हैं कि अपने अपनी बुद्धि के बल पर, अपने आविष्कारों के बल पर ये सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, किंतु वस्तुतः जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है ये मूलभूत आवश्यकताएं हम पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं और ये पृथ्वी भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में पृथ्वी का गर्भ और मैं ही सब कुछ संसार के जीवों के पालन पोषण के लिए सब कुछ प्रदान करता है। इस सारे संसार के जीवों के जीवन है भगवान, तो इस प्रकार भगवान के बिना या उनकी सृष्टि के बिना हमारा जीवन धारण करना असंभव है। तो भगवान ने हमारे जीवन धारण के लिए और समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी है जो पृथ्वी से हम प्राप्त होते हैं। जब जब लोग अधार्मिक हो जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तब संसार में अधर्म परिव्याप्त होता है
और ऐसे विधर्मियों को अपने वक्ष पर धारण करने के लिए पृथ्वी माता भार सदृश मानती है। जो विधर्मी जन है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और पापाचार में रहते हैं, ये पृथ्वी के लिए भार सदृश है। पृथ्वी माता को सर्वसहा कहा गया है क्योंकि सब कुछ सहन कर सकती है। प्राणियों के हर तरह का अत्याचार, प्राणी अपने जीवन धारण के लिए कृषि भूमि का कर्षण करते हैं, मनुष्य पृथ्वी से विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ निकालने के लिए पृथ्वी की खुदाई करते हैं, तो पृथ्वी माता ये सब सहन करती है। किंतु ऐसे विधर्मी या पापाचारियों का भार वो सहन नहीं कर सकती। इसलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मा के पास गई थी, क्योंकि भार सहन करने में समर्थ नहीं हुई थी, और ब्रह्मा ने देवताओं के साथ फिर सागर के तट पर जाकर भगवान से अवतरित होने के लिए अनुरोध किया था। तो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध है प्राणियों के लिए, प्राणियों के जीवन धारण के लिए, ये वस्तुतः भगवान के लिए ये आवश्यक है, उनको अर्पित करना ये आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि यज्ञार्थ कर्म नेत्र लोकयन कर्म बंधन, कि व्यक्ति जब यज्ञ पुरुष भगवान के लिए कर्म करेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। किंतु भगवान यज्ञ पुरुष के लिए कर्म जब नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, तो कर्म बंधन में बंध जाता है। तो पृथ्वी से जीवन धारण के लिए जो भी खाद्य शस्य या दूसरी वस्तुएं हम प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको प्रदान किया है पृथ्वी के माध्यम से, इसलिए भगवान ही सर्वप्रथम उपभोक्ता है इन वस्तुओं की। और जब कभी हम भगवान को अर्पित किए देना उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वे लोग चोर, चोरी करके लेते हैं मेरा द्रव्य, मुझे अर्पित नहीं करते हैं और स्वयं भोग करते हैं। तो जब जब संसार में इस प्रकार पापाचारियों का आधिक्य होता है, उस समय पृथ्वी माता जो यज्ञ के लिए जो वस्तुएं अभिप्रेत है वो छिपा देती है, वो प्रदान नहीं करती। और ये जो प्रसंग चल रहा है, उस समय ऐसी अवस्था हुई थी, पृथ्वी महाराज से पहले उनके पिता वेण, जो स्वयं को भगवान घोषित करते थे, भगवान पर विश्वास नहीं था और संसार में धर्माचरण, धर्म आचरण, यज्ञ अनुष्ठान आदि को बंद कर रखा था, और उनके राज्य में चोर डाकुओं का आधिक्य था। तो इस अवस्था में पृथ्वी ने इस सारी वस्तुओं को अपने घर में छिपा लिया था, इसलिए लोगों को खाना या खाद्य वस्तु उपलब्ध नहीं होती, लोग भूखे थे। तो जब पृथ्वी महाराज राजगद्दी पर अभिषिक्त हुए, तो लोग सब गए पृथ्वी महाराज के पास, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजाओं का पालन पोषण करना। तो पृथ्वी महाराज ने देखा इसका क्या कारण हो सकता है, इस संसार में लोगों को खाद्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये पृथ्वी इसका कारण है, ये खाद्य शस्य प्रदान नहीं कर रही।
क्योंकि कभी-कभी हम देखते हैं कि कृषक बीज बोता है पृथ्वी पर और बारिश बरसात ठीक समय पर होने पर भी खाद्य शस्य ठीक ढंग से उत्पन्न नहीं होती। तो पृथ्वी जब प्रसन्न होगी तब वो खाद्य शस्य प्रदान करेगी। हम पृथ्वी को बाध्य नहीं कर सकते, जैसे आजकल बहुत सारे रासायनिक द्रव्य दिया जा रहा है अधिक से अधिक खाद्य शस्य उत्पादन करने के लिए, किंतु ये भी देखा गया है जहाँ कहीं भी ये रासायनिक द्रव्य दिया जाता है पृथ्वी पर अधिक खाद्य शस्य उत्पादन करने के लिए तो वो भूमि बंजर बन जाती है कुछ काल के पश्चात और कुछ फसल नहीं होती। तो इस प्रकार पृथ्वी देवी को हम बाध्य नहीं कर सकते खाद्य शस्य देने के लिए। जब पृथ्वी प्रसन्न होती है तब वो खाद्य शस्य प्रदान कर सकती है। इसलिए संसार का यही नियम है, किसी से कोई लाभ लेना है तो प्रसन्न करके लाभ लेना है। भगवान भी जीवों को बाध्य नहीं करते, यदि भगवान चाहे जीवों को बाध्य करके उनकी सेवा ले सकते हैं, किंतु भगवान भी बाध्य नहीं करते हैं जीवों को, तो उनके प्रेम चाहते हैं कि जीव जब प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अन्यथा कोई बाध्य होकर किसी की सेवा कर रहे हैं उसका मन उसमें नहीं लगेगा, केवल बाध्य होकर करेगा किंतु उसमें प्रेम नहीं हो तो वह सेवा सेवा नहीं। इसलिए भगवान भी बाध्य नहीं करते हैं संसार के जीवों, जो उनकी सृष्टि है उनको थोड़ी स्वाधीनता देते हैं, तुम चाहे तो मेरी सेवा कर सकते हो नहीं तो भोग करना चाहते हो अलग से तो करके देखो भोग सकते हो या नहीं। तो ये प्रेम से हम किसको प्रसन्न करके उससे हम इच्छित द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। जब पृथ्वी महाराज पृथ्वी को दंडित करना चाह रहे थे, पृथ्वी भयभीत हो गई और एक गाय का रूप लेकर आत्मरक्षा के लिए दौड़ने लगी और पृथ्वी महाराज उसके पीछे दौड़ रहे थे, किंतु पृथ्वी महाराज से बचना पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। तो अंत में पृथ्वी ने पृथ्वी महाराज को मनाने का प्रयास किया कि किस प्रकार वो बद योग्य नहीं है और वो खाद्य शस्य प्रदान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि लोग पापाचारी हो गए हैं और यदि पृथ्वी महाराज अपनी प्रजाओं का पालन करना चाह रहे हैं, उनको धर्म के पथ पर लाना चाह रहे हैं तो पृथ्वी खाद्य शस्य देने के लिए प्रस्तुत है। यदि वो यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे और उसके प्रसाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो पृथ्वी देने के लिए प्रस्तुत है। किंतु किस प्रकार पृथ्वी से हर प्राणी अपना इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है, पृथ्वी को कामधुक कहा गया है, अर्थात जिसकी जैसी कामना है उस प्रकार पृथ्वी उसको दे सकती है। जैसे सुरभि गाय होती है कामधेनु, वो केवल दूध नहीं देती, जो भी हम कामना करेंगे वो देने में समर्थ है। दूध के अतिरिक्त जितना दूध चाहे वो दे सकती है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी चाहे द्रव्य वो देने में समर्थ है। तो उसी प्रकार ये पृथ्वी सब कुछ देने में समर्थ है।
और हम देखते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज ने दोहन किया पृथ्वी का। तो सर्वप्रथम पृथ्वी ने यह बताया कैसे उसका दोहन किया जा सकता है उनको प्रसन्न करने के लिए। तो पृथ्वी ने गाय का रूप लिया था, तो गाय को प्रसन्न करने के लिए या गाय से हम दूध लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम बच्चा या बछड़े को गाय के पास रखें। ऐसा क्यों है कि जब बछड़ा गाय के पास रहेगा तो जिस प्रकार माता अपने शिशु के प्रति वत्सल होती है, शिशु के प्रति प्रेम प्रदर्शन करती है, तो उसी प्रकार शिशु को देखकर माता के स्तन से दूध निकल आता है प्रेम बस। और जब शिशु नहीं है माता स्तन पान नहीं करा सकती या दूध नहीं निकलता, तो उसी प्रकार पृथ्वी माता ने कहा जिसने गाय का रूप लिया था कि तुम मेरे पास बच्चा को लाओ, बछड़े को लाओ, इसको बछड़ा बना करके लाओ, जिससे मैं प्रेम से द्रवित होकर मैं दूध दे सकूं। तो बछड़े के बिना हम दूध में गाय से नहीं ले सकते। आजकल कृत्रिम उपाय बना रहे हैं लोग दूध निकालने के लिए, किंतु वह दूध पुष्टिकर दूध नहीं होता। तो प्रेम से जो दूध निकलता है वो पुष्टिकर दूध होता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। तो ये बछड़ा बनाने के लिए पृथ्वी माता ने कहा पृथ्वी महाराज कि आप किसको बछड़ा बनाए, बछड़ा मेरे पास लाइए, मैं दूध देने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि खाद्य सस्य खाद्य वस्तु है मेरे भीतर है और जितना शीघ्र हो सके आप उसको निकाल मुझसे। तो पृथ्वी महाराज ने सारे मनु को बछड़ा बनाया, सब खाद्य सस्य और जितने भी वनस्पतियां निकालने के लिए पृथ्वी से उनके माध्यम से, क्योंकि जीवन धारण के लिए यह आवश्यक है, जितने बीज है सस्य है वनस्पतियां ये जीवन धारण के लिए आवश्यक है मनुष्य के लिए। इसलिए पृथ्वी महाराज ने बछड़ा बनाया और बछड़ा को देखकर गाय हृदय द्रवीभूत होता है, तो दूध देता है अपने आप, श्रवित होता है दूध उसके स्तन से। तो ये जो श्लोक है इसमें ये दुष्ट इस श्लोक में ये कहा गया है देवताओं के बारे में, कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोमं अदुदुः। तो दूसरे लोगों ने इसका लाभ उठाया, जब पृथ्वी महाराज दोहन कर रहे थे पृथ्वी का, तो ऋषियों ने इसका लाभ उठाया, देवताओं ने लाभ उठाया और दूसरे मनुष्य तक प्राणियों ने भी इसका लाभ उठाया, सभी ने जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता सभी ने पृथ्वी रूपी गाय से उसको दोहन किया, उसको प्राप्त किया। तो यहाँ पर देवताओं ने क्या प्राप्त किया इसका वर्णन है, तो कहते हैं कृत्वा वत्सं सुरगणा। तो मनुष्यों में ये देवता को श्रेष्ठ माना गया है और जिस मनुष्य में देवता के गुण होते हैं उसको देवता माना गया है। तो ये देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं और साधारण रूप से
इस संसार के लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि वहां अधिक इंद्रिय भोग उपलब्ध है। क्योंकि संसार के लोग अधिकतर इंद्रिय भोग चाहते हैं और ये इंद्रिय भोग स्वर्ग लोक में अधिकतर उपलब्ध है, इसलिए स्वर्ग की कामना करना स्वाभाविक है साधारण लोगों। अब लोग वस्तुतः यही जानते हैं कि स्वर्ग गति को प्राप्त होना यही श्रेष्ठ गति है, इसके अतिरिक्त लोग और कुछ नहीं जानते कि स्वर्ग के अतिरिक्त या उससे उच्चतर लोग हैं, इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं साधारण लोगों। इसलिए कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग गति को प्राप्त हो गया, स्वर्गवास हो गया उसका। हमें ये पता नहीं कि उसका स्वर्गवास हुआ या नर्कवास, किंतु हम कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। इसका अर्थ है कि हम यही चाहते हैं या कामना करते हैं कि वो उच्च गति को प्राप्त हुआ जहाँ पर वो सुख में रहे, स्वर्ग में सुख में रहे। तो स्वर्ग में सुख क्या है यहाँ पर बताया गया, जिस सुख को देवताओं ने प्राप्त किया पृथ्वी का दोहन करके, तो कहते हैं कि देवताओं ने जब पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया तो उन्होंने बछड़ा किसको बनाया, इंद्र को बनाया जो देवताओं में श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने प्राणी हैं, सभी में जो श्रेष्ठ है वो मैं। भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जैसे देवताओं में नहीं इंद्र, बात कहते हैं कि मैं ऋषियों में भृगु ऋषि हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, पुरोहित में बृहस्पति हूं। तो भगवान इसका वर्णन करते हैं भगवत गीता। तो जो भी श्रेष्ठ वस्तु हम इस संसार में देखते हैं वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए इस श्रेष्ठ वस्तुओं को, वस्तुओं के माध्यम से ये पृथ्वी का दोहन हो रहा है। जैसे स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया महाराज मिथुन, स्वयंभू मनु जो मानव के स्रोत कहे जाते हैं, उन्हीं से मानव समाज की सृष्टि हुई। या ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, अब देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया। तो जो भी श्रेष्ठ है देवता में श्रेष्ठ इंद्र है उनको बछड़ा बनाया है, या ऋषियों में या पुरोहित में श्रेष्ठ बृहस्पति है उनको बछड़ा बनाया है, मनुष्य में श्रेष्ठ स्वयं मनु है उनको बछड़ा बनाया है। और आगे भी ऐसा वर्णन आता, दैत्यों में प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ है उनको बछड़ा बनाया है। तो इसका कारण क्या है कि श्रेष्ठ प्राणियों को बछड़ा बनाया गया पृथ्वी का दोहन करने के लिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ प्राणी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के भक्त है। और जो भगवान का भक्त होता है वो सभी का प्रिय होता है। तो पृथ्वी माता जब वो श्रेष्ठ व्यक्ति का दर्शन करेगी बछड़े के रूप में, जो भक्त है भगवान का भक्त है, तो उसको देखकर उनका हृदय द्रवीभूत होना स्वाभाविक है, प्रेम उमड़ना स्वाभाविक है। इसलिए वो उनके जो इप्सित वस्तु
उनके जो इप्सित वस्तु और कैमिनल वस्तु वो प्रदान करने में समर्थ हो। तो देवताओं ने इंद्र को बनाया बछड़ा, जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं देवताओं, और जो भगवान के ज्येष्ठ भ्राता भी समझे जाते हैं, क्योंकि भगवान उपेंद्र के रूप में आविर्भूत हुए, इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में। तो भगवान उपेंद्र इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता मानते हैं। तो इस प्रकार इंद्र को देवताओं ने बछड़ा बनाया, और पृथ्वी से देवता ने क्या प्राप्त किया कहते हैं सोमम अधुदुहम। देवताओं ने दोहन किया पृथ्वी का इंद्र के माध्यम से बछड़ा बनाकर, और क्या प्राप्त किया दूध के रूप में सोम रस। ये सोम रस के संबंध में बहुत सारे लोगों की भ्रांत धारणा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि देवता लोग भी सोमरस पान करते थे, तो ये सोचते हैं कि देवता लोग शराब पीते तो यही उदाहरण देते हैं कि देवता लोग सोमरस पान करते हैं, शराब पीते हैं, हम पी रहे हैं, तो इसमें क्या हो। किंतु उस लोग प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तात्पर्य में कि सोमरस शराब नहीं, ये सोमरस न तो कोई औषधि है न कोई शराब, ये एक स्वास्थ्यकर पुष्टिकर पेय पानीय द्रव्य जिससे शरीर की मन की और इंद्रियों की पुष्टि होती, ये एक प्राकृतिक रस है सोमरस, जिसका अन्य नाम है अमृत। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोम अर्थात अमृत। तो ये इसको पान करने से देवताओं को क्या प्राप्त हुआ, वीर्यम ओजो बलम। तो देवताओं ने जब दोहन किया पृथ्वी का इंद्र को बछड़ा बनाकर, और सोम रस निकला अमृत निकला दूध के रूप में, तो उसको रखा किसमें, हिरणमय तात्पर्य हिरणमय अर्थात सोना, सोने के पात्र में उसको रखा। तो ये भी एक देवता का कि कोई भी श्रेष्ठ वस्तु को सोने के पात्र में रखा जाता है, श्रेष्ठ वस्तु को श्रेष्ठ पात्र में रखा जाता है, जो श्रेष्ठ वस्तु नहीं है उसको श्रेष्ठ पात्र में नहीं रखा जाता। ऐसा आगे आएगा आगे के श्लोक में, जब दैत्यों ने दोहन किया पृथ्वी का और उनको आवश्यक क्या था, शराब पीना। दैत्य लोग शराब पीना चाहते हैं क्योंकि तमोगुण में होता है, तो दूध के रूप में उनको शराब प्राप्त हुआ, और उसको उन्होंने रखा किसमें, लोहे के पात्र, क्योंकि शराब श्रेष्ठ वस्तु नहीं है इसलिए उसको लोहे के पात्र में रखा। किंतु ये अमृत ये श्रेष्ठ वस्तु है इसलिए देवताओं ने इसको श्रेष्ठ पात्र में रखा, हिरण में सोने के पात्र में रखा, और इसको पीकर देवता को क्या प्राप्त हुआ ना, वीर्यम, ये मानसिक शक्ति। क्योंकि किसी भी मनुष्य को समृद्ध करने के लिए उसको मानसिक शक्ति चाहिए।
अगर मनोबल नहीं है व्यक्ति कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। ये मनोबल बहुत आवश्यक है। मनोबल से व्यक्ति दुशासनिक कार्य कर सकता है, असंभव कार्य को संभव कर सकता है भगवान के पास, किंतु मनोबल आवश्यक है। किंतु पहले से ही व्यक्ति मनोबल को त्याग देता है, मनोबल नहीं है तो कोई भी कार्य में वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है मनोबल की आवश्यकता। और देवताओं में अधिक मनोबल है क्योंकि वो अमृत को प्राप्त हुए हैं देवता लोग। इस अमृत से स्वर्ण रस से वो मनोबल को प्राप्त हुए, मानसिक शक्ति को प्राप्त हुए और उसके साथ साथ वो जो इंद्रियों की शक्ति, क्योंकि व्यक्ति को अगर श्रेष्ठ बनना है तो ये आवश्यक है। देवता लोग श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें मानसिक बल, मनोबल है और इंद्रियों की शक्ति भी है। जब इंद्रियों की शक्ति नहीं रहेगी व्यक्ति भौतिक भोग नहीं कर सकता। भौतिक भोग के लिए भी इंद्रियों की शक्ति चाहिए। जो यदि व्यक्ति शक्तिहीन है तो भौतिक भोग भी नहीं कर सकता। इस संसार में इंद्रिय भोग के लिए इंद्रियों की शक्ति चाहिए, मनोबल चाहिए और शारीरिक शक्ति भी चाहिए। और ये सब देवताओं को प्राप्त हुआ अमृत पान करने से। तभी जाकर वे लोग स्वर्ग में स्वर्ग सुख का भोग करते हैं देवता लोग। यद्यपि यह जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम इन इंद्रियों की शक्ति, शारीरिक बल या मानसिक शक्ति को प्राप्त होकर इंद्रियों का भोग करें, यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि ये इंद्रिय भोग भी क्षणिक है, ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख योनयेव। आद्यन्तवन्त कौन्तेय नान्ते सुरमते दुःखा। जब बुद्धिमान व्यक्ति इस इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होता है, यद्यपि व्यक्ति में मानसिक बल, मनोबल हो, शारीरिक शक्ति हो, इंद्रियों में शक्ति हो, फिर भी वो इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होता है। क्योंकि वो जानता है कि यह इंद्रिय भोग आद्यंत बन इसकी इसका आदि है और अंत है। क्षणिक है ये सुख, इंद्रियों का सुख क्षणिक है, ये नित्य सुख नहीं है। इसलिए अनित्य सुख के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति धावमान नहीं होता है। वो नित्य सुख के लिए प्रयास करता है, मनोबल को, शारीरिक शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को वो भगवान की सेवा में लगा, जिससे वो नित्य आनंद को प्राप्त हो सकता है। जब व्यक्ति भक्त भगवान को आनंद प्रदान करेगा वो स्वयं सुखी होगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसका उपयोग कृष्ण की सेवा में करता है। किंतु जो बुद्धिहीन है ये लोग मनोबल, शारीरिक शक्ति और इंद्रियों की शक्ति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। तो देवता तो वह सुख प्राप्त है स्वर्ग लोक। अब यही कारण है कि इस मर्त्य लोक में जो लोग इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ रहे हैं वो स्वर्ग की कामना करते हैं, क्योंकि यहाँ अमृत प्राप्त नहीं है। इस मृत्यु लोक में
अमृत प्राप्त नहीं है, ये मृत यहाँ मृत्यु तो स्वर्ग लोक में अमृत प्राप्त है और इसलिए स्वर्ग के देवता लोग अधिक सुख हो करते हैं इंद्रिय सुख, जिसके कारण स्वर्गलोक में भक्ति करना बहुत कष्ट साध्य है। इतने इंद्रिय सुख के बीच, इतने ऐश्वर्य के बीच भक्ति करना संभव नहीं, और यही कारण है कि इंद्र भगवान देवता लोग भगवान के भक्त होने पर भी ये सब शुद्ध भक्त नहीं है। तो इंद्र यह जानकर भी भोग के कारण वो मोहित हो जाते हैं, बार बार मोहित हो जाते हैं, कभी गुरु का अपमान करता है, कभी भगवान का अपमान करता है, मोहवश। तो जब व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्यों के बीच रहता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कामैश्चित्ते वृत्तं ज्ञानम्। ये काम वासना के कारण उनका ज्ञान अपहृत माया के द्वारा अपहृत हो जाता है, जिसके कारण वो न तो अपने गुरु को सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं न भगवान को सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस प्रकार अपराध करते हैं और अपनी सारी समृद्धि को खो देते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी देवता लोग भी भक्ति करने के लिए इस मर्त लोक में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इस मर्त लोक में सुख दुख दोनों है। जब व्यक्ति दुख में होता है तब वो भगवान को पुकारता है, भगवान के ओर उन्मुख होता है, सुख में व्यक्ति भूल जाता है भगवान, मोहित हो जाता है। और यही कारण था कि स्वयं कुंती देवी इसलिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से, कुंती देवी दुख मांग रही थी भगवान से, विपद आसन तथा संस्कृत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन, कि उन्हीं सारी विपत्तियों का बार बार दीजिए हम, क्योंकि विपत्तियां आने पर हम आपको व्याकुल होकर स्मरण करेंगे पुकारेंगे, और आप भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त का दुख देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप दौड़ करके आएंगे हमारी रक्षा करने, हम आपका दर्शन करने में समर्थ हों, और आपके दर्शन करने का अर्थ है हमारा भव दर्शन नहीं हो, संसार का दर्शन नहीं हो। उसी प्रकार सुदामा, जबकि पहले से वो दरिद्र अवस्था में थे, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सुदामा इसलिए दरिद्र हुए क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो कभी कभी इसलिए लोग डरते हैं कृष्ण की भक्ति करने के लिए, सुदामा का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से सुदामा बहुत गरीब हुए, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो गरीब हो जाए, किंतु सुदामा दरिद्र होने का कारण क्या था, क्या कृष्ण की भक्ति करने के लिए वो दरिद्र हुए, नहीं, सुदामा धन संपत्ति नहीं चाहते थे, वो दरिद्र होकर रहना चाहते थे जिससे कि वो कृष्ण का स्मरण कर सके, धन संपत्ति ऐश्वर्य होने पर कृष्ण को भूल जाने की संभावना, इसलिए सुदामा नहीं चाहते, और यही कारण था कि कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं, क्योंकि सुदामा नहीं चाहते। किंतु पत्नी के कहने पर जब सुदामा गए द्वारका, कृष्ण से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, किंतु भगवान कृष्ण जानते थे किस लिए सुदामा आए हैं,
और प्रकाश रूप में उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। जब सुदामा आते हैं घर पर, अपने घर को पैसा नहीं ना, अपनी कुटिया के स्थान पर प्रसाद वहां खड़ा, राज प्रसाद भगवान की कृपा से। तो भगवान कृष्ण जिसको देना चाहे हमारे पास रखने के लिए स्थान नहीं होगा, और किससे लेना चाहे हम रख नहीं सकते। तो सुदामा नहीं चाहते थे, भगवान ने नहीं दिया था, उनकी पत्नी की कामना हुई धन संपत्ति की, भगवान ने दे दिया, जबकि सुदामा की कोई कामना नहीं। तो भगवान सुदामा की पत्नी की कामना को पूर्ण करने के लिए धन संपत्ति दी, किंतु सुदामा ने क्या किया, धन संपत्ति को प्राप्त होकर फिर भी वो मोहित नहीं हुए। सुदामा यद्यपि ऐश्वर्य के बीच रह रहे थे, उनकी पत्नी तो बहुत खुश थी, उनको चाहिए धन संपत्ति ऐश्वर्य, किंतु सुदामा इतने ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी वो खाट पर नहीं सोते, वो नीचे ही सोते जमीन पर। और ऐसे ही सरल जीवन यापन करते सुदामा, इसी भय से कि कहीं ऐश्वर्य का उपभोग करने से वो कृष्ण को भूल ना जाए। तो ये भौतिक संसार जो है, विशेष रूप से ये पृथ्वी लोग, यहाँ सुख और दुख मिश्रित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ भक्ति करने के लिए उपयुक्त स्थान है ये पृथ्वी, जो देवलोक में नहीं हो सकता ऐश्वर्य के कारण। इसलिए देवता लोग कामना करते हैं इस पृथ्वी लोग को जन्म लेने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि देवता लोग जो ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं, जो समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसका कारण इन लोगों ने इस पृथ्वी से ही प्राप्त किया है। पृथ्वी का दोहन करके जो अमृत को प्राप्त हुए हैं, इसके कारण वो समृद्ध है, समृद्धिशाली। और आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे प्राणी अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त हुए पृथ्वी से, पृथ्वी का दोहन करके अपने श्रेष्ठ जीवों को वर्षा के रूप में व्यवहार करके ये लोग अपने अभिष्ट को प्राप्त हुए, इस प्रकार समृद्ध हुए। तो इसके कहने का अर्थ है कि जब जब हम भक्ति मार्ग से दूर चले जाएंगे, तब हम असुविधा का सम्मुखीन होंगे। पृथ्वी हमारी हमारे समृद्धशाली जीवन यापन के लिए इच्छित वस्तु अर्पण नहीं करेगी, किंतु जब हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे, धर्म मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे, तो ठीक समय पर वर्षा हो, पृथ्वी सब कुछ हमें प्रदान कर सके, जिसको हम भगवान की सेवा में लगाकर हम प्रसन्न हो सकते हैं और संसार के सारे जीव प्रसन्न हो सकते हैं। यही वस्तुतः समृद्धिशाली जीवन का मार्ग है। ये नहीं है कि फैक्ट्री चलाना, अब तरह तरह के वैज्ञानिक के आविष्कारों से हम समृद्धिशाली नहीं बन सकते। चलो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब खाद्य शस्य उपलब्ध नहीं होंगे तो हम नट बोल्ट्स नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे नट बोल्ट्स खाकर जीवनधारण नहीं कर सकते। तो ये हमारी वास्तविक समृद्धि नहीं है। प्राचीन काल में उसी व्यक्ति को समृद्ध समझा जाता था जिसके पास अधिक कृषि भूमि होती थी, जिसके पास अधिक गाय होती थी, गौएं होती थी, उसी व्यक्ति को धनी माना जाता था। नंद महाराज इतने समृद्धशाली थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी गौएं थी, कृषि भूमि थी, और इसी से लोग आनंद में रहते थे, कोई समस्या नहीं। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, किसलिए?
क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पाने का मार्ग से हम अलग हो गए, भगवान के भक्ति मार्ग से हम अलग हो गए, इसलिए संसार में हम असुविधाओं का सम्मुखीन होते हैं। समय पर वर्षा नहीं होती है, खाद्य शस्य उत्पन्न नहीं होता है, और जो भी उत्पन्न होता है सब विष है। हम आजकल जो भी खा रहे हैं सिर्फ विष खा रहे हैं, सब रासायनिक द्रव्य उसमें मिला हुआ। यहाँ तक आप कहें कि हम फल खा रहे हैं, फल में भी दिया जा रहा है रासायनिक द्रव्य, अब क्या खा कर रहे हैं कलयुग में? तो इसमें हम कहाँ शारीरिक शक्ति को प्राप्त होंगे, कहाँ इंद्रियों की शक्ति को प्राप्त हो, कहाँ मानसिक बल को प्राप्त हो, ये संभव तो नहीं। तो इसलिए मनुष्य समाज को इस बात को समझना चाहिए कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, इससे हमारा वंश अवश्य भागे। इसलिए हमारे मार्ग को बदलना है, और इस मार्ग को बदलने का कार्य भक्तों के ऊपर है। ये गुरुदेव के श्लोक प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया है, ये प्रचार करने के लिए लोगों में, लोग किस प्रकार समृद्धि का मार्ग प्राप्त होंगे, भक्ति मार्ग में किस प्रकार समृद्धिशाली हो सकते हैं, इस बात को लोगों को बताना। ये सारे ईश्वर के भक्तों का कार्य है, श्लोक प्रभुपाद यही इच्छा है कि हम प्रचार करें और लोगों को धर्म के मार्ग पर लाएं, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लाएं, तब संसार में सुख समृद्धि की कामना हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण भागवतम की गौपाल महाराज की, गौरव भक्त वृंद की।